क्लास टुडे वी विल डिस्कस द थर्ड लेक्चर ऑफ एसीआई। तो एसीआई का थर्ड लेक्चर डिस्कस करने से पहले हम ना जो हमने कल प्रीवियस लेक्चर किया था उसको थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, उसको रिकॉल कर लेते हैं कि हमने क्या क्या उसमें डिस्कस किया था। तो उसमें सबसे पहले हमने डिस्कस किया था कि व्हाट इज़ कंप्यूटर। कंप्यूटर इज़ अ कम्बिनेशन ऑफ अ वेरियस एलिमेंट, दीज कंपोनेंट्स इंटरेक्ट विच ईच अदर और फॉर द फंक्शनिंग ऑफ द सिस्टम। ये कंप्यूटर एक कम्बिनेशन था ऑफ वेरियस एलिमेंट्स, मुख्तलिफ एलिमेंट्स का। ये कंपोनेंट्स, ये एलिमेंट्स इंट्रैक्ट करते हैं एक दूसरे के साथ क्या करने के लिए, फंक्शनिंग ऑफ सिस्टम। कंप्यूटर इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन विच सोल्व द डिफरेंट प्रॉब्लम अकॉर्डिंग टू द इंस्ट्रक्शंस गिवन टू इट। कंप्यूटर जो होता है वो एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो कि हमारे कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम को सोल्व करता है, किसके मुताबिक, इंस्ट्रक्शंस के मुताबिक जो कि इसको दी जाती हैं। तो कंप्यूटर के एलिमेंट्स में आता है इनपुट डिवाइसेस, टेक्स एंट्री एंड द पॉइंटिंग, आउटपुट डिवाइसेस स्क्रीन, प्रिंटर, फिजिकल इंट्रक्शन, साउंड, बायोसेंसिंग, पेपर एज आउटपुट, प्रिंट एंड इनपुट, मेमोरी, रैम एंड परमानेंट मीडिया, कैपेसिटी, एक्सेस, प्रोसेसिंग, स्पीड ऑफ प्रोसेसिंग। सही है। तो ये हमने डिस्कस किया था कि कंप्यूटर क्या होता है। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो कि हमारे मुख्तलिफ कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम को सोल्व करती है इंस्ट्रक्शंस के मुताबिक जो कि इसको दी जाती हैं। ये एक वेरियस एलिमेंट्स का कम्बिनेशन होता है, इसमें कंपोनेंट्स एक दूसरे के साथ इंट्रैक्ट करते हैं क्या करने के लिए, फंक्शनिंग ऑफ सिस्टम। तो नेक्स्ट स्लाइड में हमारे पास आया था टैक्स एंट्री डिवाइसेस। जो टैक्स एंट्री डिवाइसेस थी ना वो मोस्ट कॉमन टैक्स इनपुट डिवाइस के बहुत ज़्यादा कॉमन इनपुट डिवाइस थी। ये अलाउज करती हैं हमें रैपिड एंट्री ऑफ द टैक्स बाय द एक्सपीरियंस यूज़र, कि ये हमें इस बात की इजाज़त देती हैं कि हम रैपिड एंट्री कर सकें किस चीज़ की, टैक्स की, किसके थ्रू, एक्सपीरियंस यूज़र के थ्रू। की प्रेसिस क्लोजिस कनेक्शन काजिंग अ करेक्टर कोड टू बी सेंट, यूजुअली कनेक्टेड बाय द केबल बट कैन बी वायरलेस। जो टैक्स एंट्री डिवाइसेस होती हैं वो यूजुअली कनेक्टेड होती हैं किसके थ्रू, केबल के थ्रू, वायर्स के थ्रू, बट कैन बी वायरलेस, लेकिन ये वायरलेस भी हो सकती हैं। सही है। तो टैक्स एंट्री डिवाइसेस जो हम कह सकते हैं द मोस्ट ऑब्वियस मीन ऑफ द टैक्स एंट्री डिवाइस इज द प्लेन कीबोर्ड। सही है। तो जो इसका टैक्स एंट्री डिवाइस में जो आती है वो हमारे पास होती है कीबोर्ड। द कीबोर्ड इज़ द स्टिल वन ऑफ द मोस्ट कॉमन इनपुट डिवाइस इज़ यूज टूडे। कीबोर्ड जो है वो अभी तक बहुत ज़्यादा यूज़ की जाने वाली इनपुट डिवाइस है। इट इज़ यूज फॉर इंट्री द टेक्सचुअल डाटा एंड द कमांड। तो इसको हम क्या करते हैं, किस मकसद के लिए इस्तेमाल किया जाता है, ये टेक्सचुअल डाटा और कमांड को इंटर करने के लिए यूज़ किया जाता है। सही है। उसके बाद हमारे पास आई थी पोजिशनिंग, पॉइंटिंग एंड द ड्राइंग। तो हैंड हेल्ड पॉइंटिंग डिवाइसेस, तो इनमें यह था कि हैंड हेल्ड जो पॉइंटिंग डिवाइसेस होती हैं वो वेरी कॉमन, बहुत ज़्यादा आम है, इजी टू यूज़, आसानी से इनको यूज़ किया जा सकता है। इसकी करैक्टरिस्टिक्स में था कि ये स्मूथ मूवमेंट, इनकी जो मूवमेंट होती है वो बहुत ज़्यादा स्मूथ होती है, मतलब कि ईजी टू यूज़ है ना, कि इसको आम बंदा भी आसानी से इस्तेमाल कर सकता है। इसकी सेकेंड करैक्टरिस्टिक्स जो थी वो है बटन। तो बटन्स जो है वो यूजली फ्रॉम 1 to 3 बटन्स ऑन टॉप, यूज फॉर मेकिंग द सिलेक्शन, इंडिकेटिंग एन ऑप्शन और टू इनिशिएट ड्राइंग एक्सेट्रा। मतलब इनमें बटन्स लगे होते हैं, कितने, यूजली 1 to 3 बटन्स हो सकते हैं, कहाँ पर, टॉप में यूज होते हैं, किस चीज़ मकसद के लिए, सिलेक्शन करने के लिए, इंडिकेट करने के लिए किसी भी ऑप्शन को, और किसी भी ड्राइंग को इनिशिएट, स्टार्ट करने के लिए हम यूज़ करते हैं। तो सही है। उसके बाद टू मेथड्स फॉर डिटेक्टिंग मोशन थ्रू माउस। हमारे पास दो मेथड होते हैं माउस की मोशन को डिटेक्ट करने के लिए। एक फर्स्ट वन इज़ मैकेनिकल, सेकंड इज़ ऑप्टिकल। तो मैकेनिकल में जो होता है वो ये है कि बाल ऑन अंडर साइड ऑफ द माउस, माउस के अंदर एक बाल लगी होती है, टर्न्स वो मूव करती है एज माउस इज मूव्ड। जैसे ही हमारा माउस मूव करता है, हमारा माउस हरकत करता है, साथ साथ बाल भी हरकत करती चल जाती है। मैकेनिकल माउस में ये होता है कि इसमें माउस के अंदर एक बाल लगी होती है। रोटेट्स ऑर्थोगोनल पोटेंशियोमीटर्स कैन बी यूज्ड ऑन ऑलमोस्ट एनी फ्लैट सरफेस। मैकेनिकल माउस को हम किसी भी फ्लैट सरफेस पर यूज़ कर सकते हैं। तो हमने ये उस दिन पढ़ा था कि इसके दो मेथड्स होते हैं, एक मैकेनिकल मेथड्स है, एक ऑप्टिकल मेथड्स। तो जो मैकेनिकल मेथड होता है इसको कैन बी यूज्ड ऑन ऑलमोस्ट एनी फ्लैट सरफेस, किसी भी फ्लैट सरफेस पर इसको हम यूज़ कर सकते हैं। देन हमारे पास आया ऑप्टिकल। ऑप्टिकल में ये होता है कि लाइट इमिटिंग डायोड ऑन अंडर साइड ऑफ द माउस,
माउस के अंदर एक लाइट इमटिक डायोड लगी होती है, इसमें एक लाइट होती है। मैकेनिकल में होता था कि बाल होती है हमारे पास, ऑप्टिकल में ये होता है कि एक लाइट होती है। मे यूज़ अ स्पेशल ग्रिड लाइक पैड और जस्ट ऑन द डेस्क। इसमें यह होता है कि जो इसको हम मैकेनिकल को हम एक फ्लैट सरफेस पर यूज़ करते हैं, और इसको हम इसके लिए हम एक स्पेशल ग्रिड यूज़ करते हैं, सही है, लाइक पैड, जैसा कि एक पैड होता है, और जस्ट ऑन द डेस्क, या फिर उसको सिर्फ डेस्क पर ही यूज़ किया जाता है ऑप्टिकल के। लेस सस्पेक्टेबल टू द डस्ट एंड द डर्ट, ये लेस सस्पेक्टेबल होता है डस्ट और डर्ट के लिए, सही है। नेक्स्ट हमारे पास स्लाइड आई थी ट्रैक बॉल। तो ट्रैक बॉल जो है वो हमारे पास एक पॉइंटिंग डिवाइस है, लाइक माउस। ट्रैक बॉल जो होती है वो एक पॉइंटिंग डिवाइस होती है माउस की तरह की। द बॉडी ऑफ द ट्रैक बॉल कैन नॉट मूव, बॉडी की जो होती है ट्रैक बॉल की मूव नहीं कर सकती लाइक अ माउस, जैसा कि माउस तो एक जगह से दूसरी जगह मूव करता है, लेकिन जो ट्रैक बॉल होती है इसकी बॉडी मूव नहीं कर सकती। ट्रैक बॉल में एक बाल होती है हमारे पास एक्सपोज ऑन इट्स सर्फेस। एक ट्रैक बॉल में इसके सतह पर एक बॉल लगी होती है, बॉल की मदद से हम क्या करते हैं, जो स्क्रीन पर कर्सर होता है उसको कंट्रोल करते हैं। ट्रैक बॉल में एक बॉल लगी होती है, क्योंकि उसके नाम से ही पता चल रहा है कि ट्रैक बॉल, कि इसमें एक बॉल लगी होती है इसकी सरफेस पर, और इस बॉल की मदद से हम इस बॉल की हेल्प के साथ हम स्क्रीन पर जो हमारे पास कर्सर होता है उसको हम कंट्रोल करते हैं। टू मूव द पॉइंटर ऑन द स्क्रीन यू रोल द बॉल विद योर थंब। पॉइंटर को स्क्रीन पर मूव करने के लिए हम जो इसकी बॉल लगी होती है उसको रोल करते हैं। देर आर यूजली 1-3 बटन्स, इसमें ट्रैक बॉल में बटन्स लगे होते हैं, किस मकसद के लिए, सिलेक्शन करने के लिए, किसी भी ऑप्शन को इंडिकेट करने के लिए, विच यू जस्ट यूज़ लाइक माउस बटन, जिसको आप माउस बटन के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं, सही है। तो रिलेटिव मोशन जो होती है वो मूव्स करती है कर्सर को। सेपरेट बटन्स होते हैं फॉर पिकिंग के लिए, वेरी फास्ट और फॉर गेमिंग, ये गेमिंग के लिए बहुत ज़्यादा फास्ट होता है। यूज होता है इन सम पोर्टेबल एंड नोटबुक कंप्यूटर्स में। ट्रैक बॉल किस में यूज़ होती है, कुछ पोर्टेबल और नोटबुक कंप्यूटर्स में, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारे पास जो स्लाइड आएगी वो है जॉयस्टिक। जॉयस्टिक इज़ आल्सो अ पॉइंटिंग डिवाइस लाइक अ माउस, लाइक अ माउस। जॉयस्टिक जो होती है इज़ आल्सो अ पॉइंटिंग डिवाइस लाइक अ माउस। जॉयस्टिक भी एक पॉइंटिंग डिवाइस है, किसकी तरह की, माउस की तरह की। इट कंसिस्ट ऑफ द स्टिक, जैसा उसके जो उसके नाम से ही पता, जैसा बॉल ट्रैक बॉल था तो उसके नाम से पता चल रहा था कि इसमें बॉल ज़रूर होगी, और जिसी तरह जॉयस्टिक तो इसमें भी एक ये कंसिस्ट होती है ऑफ द स्टिक एंड द स्टिक। जैसे जैसे स्टिक मूव करती है जो कर्सर होता है स्क्रीन पर वो भी साथ साथ मूव करता है। इट कैन मूव द राइट लेफ्ट फॉरवर्ड एंड द बैकवर्ड। जो हमारे पास ट्रैक बॉल था वो मूव कर सकता था, बिल्कुल इसी तरह जॉयस्टिक भी मूव कर सकती है, ये मूव कर सकती है राइट लेफ्ट फॉरवर्ड एंड द बैकवर्ड। जॉयस्टिक इज़ कॉमनली यूज टू कंट्रोल द वीडियो गेम्स, ये यूज़ होती है जॉयस्टिक, जो आमतौर पर इसको यूज़ किया जाता है क्या करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए वीडियो गेम्स को, फ्लाइट कंट्रोल्स एंड स्पेशली मिलिट्री फास्ट जेट, सही है। एयरक्राफ्ट कंट्रोल्स में 3D नेविगेशन में ऑफन यूज फॉर द कंप्यूटर, बटन्स होते हैं इसमें, ठीक है। तो जॉयस्टिक ये होती है, जॉयस्टिक भी एक पॉइंटिंग डिवाइस है, किसकी तरह की, एक माउस की तरह की पॉइंटिंग डिवाइस होती है। इसको हम मूव कर सकते हैं लेफ्ट राइट फॉरवर्ड बैकवर्ड एंड ये यूज़ किस में होती है, मोस्टली कॉमनली यूज वीडियो गेम्स में, फ्लाइट में कंट्रोल एंड स्पेशली मिलिट्री फास्ट जेट में, सही है। उसके बाद हमारे पास आया स्टाइलस। तो स्मॉल पेन लाइक पॉइंटर, स्टाइलस जो होता है इज अ स्मॉल पेन लाइक अ पॉइंटर, पॉइंटर की तरह का एक स्मॉल पेन होता है। टू ड्रा डायरेक्टली ऑन द स्क्रीन, स्क्रीन पर डायरेक्टली ड्रा करने के लिए, सही है। तो मे यूज़ टच सेंसिटिव सरफेस और द मैग्नेटिक, ये एक टच सेंसिटिव सरफेस को यूज़ करता है स्टाइलस जो होता है। ये यूज़ होता है इन द PDA, PDA स्टैंड्स फॉर पर्सनल डिजिटल अकाउंटेंट। ये स्टाइलस यूज़ होता है इन द PDA टैबलेट PCs एंड द ड्राइंग टेबल में। तो जो स्टाइलस होता है इंस्टेड ऑफ पॉइंटिंग एट द स्क्रीन डायरेक्टली, अ स्मॉल पेन लाइक द प्लास्टिक स्टिक इज यूज टू पॉइंट एंड द ड्रॉ। तो स्टाइलस में ये होता है कि इसमें एक प्लास्टिक स्टिक होती है जिसको हम यूज़ करते हैं क्या करने के लिए, पॉइंट एंड द ड्रॉ ऑन द स्क्रीन, सही है। तो ये यूज़ होते हैं PDA में, बट दे आर आल्सो बीइंग यूज इन द सम लैपटॉप कंप्यूटर्स। ये PDA में भी PC में भी यूज़ होते हैं, लेकिन ये साथ साथ उसके लैपटॉप कंप्यूटर में भी यूज़ होते हैं। लाइट पेन,
लाइट पेन जो होता था, लाइट पेन नाउ रेयरली यूज, लाइट पेन को आप इतना ज़्यादा इस्तेमाल नहीं होता, लेकिन ये इसमें ये होता है कि जो पेन होता है वो कनेक्टेड होता है टू द स्क्रीन बाय द केबल। जो पेन होता है वो उसको कनेक्ट किया जाता है स्क्रीन के साथ, किसके थ्रू, केबल के थ्रू। लाइट पेन मच मोर एक्यूरेट देन द टच स्क्रीन, लाइट पेन जो होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा बेटर होते हैं किससे, टच स्क्रीन से। सही है, तो नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। उसमें हमारे पास आई थी कैथोड रेज, तो कैथोड रे जो है ये टेलीविज़न लाइक कंप्यूटर स्क्रीन है, एक टेलीविज़न की तरह की एक कंप्यूटर स्क्रीन होती है। ये वर्क करती है बिल्कुल किस तरह से, जैसा कि एक स्टैंडर्ड टेलीविज़न वर्क करता है। कैथोड रे जो है वो स्टिल मोस्ट कॉमन एज बट रैपिडली बींग डिस्प्लेड बाई द फ्लैट LCD स्क्रीन्स। कैथोड रे जो है वो हमारे पास अभी तक बहुत ज़्यादा कॉमन है, लेकिन ये रैपिडली डिस्प्लेस्ड हो रही हैं किसके साथ, बाय फ्लैट LCD स्क्रीन के साथ। कैथोड रे में ये होता है कि स्ट्रीम ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स इमिटेड फ्रॉम द इलेक्ट्रॉन गन, इलेक्ट्रॉन कैथोड रे में एक इलेक्ट्रॉन गन होती है, उसमें से एक स्ट्रीम जो इलेक्ट्रॉन की वो इमिटेड होती है। फोकस एंड डायरेक्टेड बाय द मैग्नेटिक फील्ड्स हिट फास्फोरस एंड कोटेड स्क्रीन विच ग्लो। जो कि थोड़ रेज होती हैं वो यूज़ होती हैं इन द TVs एंड द कंप्यूटर मोनीटर। ये कि थोड़ रेज TVs में यूज़ होती हैं, कंप्यूटर मोनीटर में यूज़ होती हैं, तो ये क्योंकि ये वर्क भी बिल्कुल वैसे ही करते हैं जैसे कि स्टैंडर्ड टेलीविज़न वर्क करता है, कि थोड़ रेज ट्यूब भी बिल्कुल सिमिलरली इसी तरह वर्क करती है। सही है, उसके बाद हमारे पास आया फ्लैट पैनल स्क्रीन। जो फ्लैट पैनल स्क्रीन है तो इसमें दो प्लेट्स लगी होती हैं, टॉप प्लेट एंड द बॉटम प्लेट। सही है, टॉप प्लेट को ट्रांसपेरेंट एंड द पोलराइज्ड, टॉप प्लेट जो होती है उसको पोलराइज किया जाता है। सही है, उसके बाद जो बॉटम प्लेट होती है उसको रिफ्लेक्ट किया जाता है। इसमें से इसमें इस तरह होता है कि एक लाइट पासिस थ्रू द टॉप प्लेट एंड द क्रिस्टल, लाइट जो है वो पास करती है किसके थ्रू, टॉप प्लेट के जरिए एंड द क्रिस्टल और क्रिस्टल के जरिए, एंड रिफ्लेक्ट बैक टू द आई और रिफ्लेक्ट कर जाती है कहाँ पर, आई में। सही है, वोल्टेज अप्लाइड टू द क्रिस्टल, एक हाई वोल्टेज अप्लाइड किया जाता है किसको, क्रिस्टल को, क्या करने के लिए, जो यहाँ पे बताया जा रहा है कि जो हम क्रिस्टल को वोल्टेज अप्लाइड करते हैं ना वो हमारी पोलराइजेशन को चेंज कर देता है, और फिर पोलराइजेशन के बाद हमारे कलर को चेंज कर देता है। ठीक है, फ्लैट पैनल स्क्रीन, फ्लैट पैनल स्क्रीन में ये होता है कि इसमें दो प्लेट्स होती हैं, टॉप प्लेट एंड द बॉटम प्लेट। टॉप प्लेट को हम पोलराइज करते हैं, बॉटम प्लेट को हम रिफ्लेक्ट करते हैं, लाइट पास होती है थ्रू टॉप प्लेट एंड द क्रिस्टल, रिफ्लेक्ट होती है कहाँ पर, बैक टू आई में। वोल्टेज अप्लाइड होता है टू द क्रिस्टल, चेंजेस द पोलराइजेशन एंड हैंस कलर। सही है, तो उसके बाद हमारे पास आया पेपर प्रिंटिंग एंड द स्कैनिंग। सही है, जो इमेज है मेड फ्रॉम द स्मॉल डोट्स, इसमें जो होता है वो इमेज बनाया जाता है कहाँ, किसके जरिए, स्मॉल डोट्स में। ये अलाउज करता है एनी करेक्टर सेट और द ग्राफिक टू बी प्रिंटिंग, ये अलाउ करता है किसी भी करेक्टर सेट को और ग्राफिक को, क्या करने के लिए, कि वो प्रिंट हो जाए। तो इसके अब हमारे पास कुछ फीचर्स होते हैं, क्रिटिकल फीचर्स, उसमें आ जाएगी रेजोल्यूशन, साइज एंड द स्पेसिंग ऑफ द डॉट्स। रेजोल्यूशन में क्या होता है कि हम साइज़ और स्पेस ऑफ द डॉट्स, डॉट्स की स्पेस और साइज को चेक करते हैं, इनको मेजर किया जाता है किस में, इन डॉट्स पर इंच DPI में। रेजोल्यूशन में इसका ये था कि हम साइज़ और स्पेसिंग ऑफ द डॉट्स, डॉट्स के साइज़ और स्पेस को मेजर करते हैं, इनको मेजर किस चीज़ में किया जाता है, डॉट्स पर इंच में। स्पीड में इसका एक फीचर है, स्पीड यूजुअली मेजर इन पेजेस पर मिनट। सही है, इसको मेजर किया जाता है आमतौर पर किस में, पेजेस पर मिनट में। कॉस्ट इसका एक फीचर है, कॉस्ट। सही है, तो प्रिंटिंग एंड द स्कैनिंग में इसके क्रिटिकल फीचर थे, क्रिटिकल फीचर रेजोल्यूशन, स्पीड, कॉस्ट। रेजोल्यूशन में हमने देखा कि उसके साइज़ और स्पेस को देखा जाता है किसके, डॉट्स के, इसको मेजर किया जाता है डॉट्स पर इंच यानी DPI में। और स्पीड में हम इसको यूजुअली मेजर करते हैं कहाँ पर, पेजेस पर मिनट में। कॉस्ट इसका एक फीचर है, कॉस्ट। एंड देन फिर हमारे पास प्रिंटर्स की टाइप्स आई, देर आर द 3 types ऑफ द प्रिंटर, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, इंक जेट एंड द बबल प्रिंटर्स, लेज़र प्रिंटर। सही है, तो जो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर है वो यूज़ करते हैं इंक ड्रिवन लाइक अ टाइप राइटर। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर जो होते हैं वो यूज़ करते हैं किस चीज़ को, इंक ड्रिवन को। लाइन ऑफ द पिंस, पिंस की हमारे पास एक लाइन होती है, डेट कैन स्ट्राइक द रिबन, जो कि रिबन के साथ टकराती है, स्ट्राइक करती है डॉटिंग द पेपर और फिर पेपर को डॉट कर देती है, डॉटिंग हो जाती है पेपर को। ठीक है, तो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, टिपिकल रेजोल्यूशन ऑफ द डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर्स 80 to 120 DPI डॉट्स पर इंच।
डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर क्या है कि ये यूज़ करते हैं इंक रिबन को, इसमें जो लाइंस ऑफ द पिंस होती हैं वो इंक रिबन के साथ टकराती हैं। इसकी टिपिकल रेजोल्यूशन जो होती है वो 80 to 120 dpi होती है, सही है। तो इंक जेट एंड द बबल जेट प्रिंटर्स, जो इंक जेट एंड द बबल जेट प्रिंटर होते हैं वो टाइनी ब्लॉब्स ऑफ द इंक, इसमें क्या किया जाता है कि जो टाइनी ब्लॉब्स होते हैं, छोटे छोटे ब्लॉब्स ऑफ द इंक, इंक के छोटे छोटे ब्लॉब्स को सेंट किया जाता है, भेजा जाता है फ्रॉम प्रिंट हेड टू द पेपर, प्रिंट हेड से पेपर की तरफ, सही है। इंक जेट एंड द बबल जेट प्रिंटर में क्या होता है कि इसमें हम इंक के छोटे छोटे ब्लॉब्स को प्रिंट हेड से कहाँ पर सेंड करते हैं, पेपर की तरफ। इसकी टिपिकल रेजोल्यूशन 300 dpi और बेटर। टिपिकल रेजोल्यूशन ऑफ द इंक जेट एंड द बबल जेट प्रिंटर्स इज 300 dpi और द बेटर, सही है। डॉट मैट्रिक्स की रेजोल्यूशन कितनी थी, 80 to 120 dpi। इंक जेट एंड द बबल जेट प्रिंटर की रेजोल्यूशन कितनी है, 300 dpi और द बेटर, सही है। इसके बाद हमारे पास आएगा लेज़र प्रिंटर। तो लेज़र प्रिंटर लाइक अ फोटो कॉपियर, लेज़र प्रिंटर जो होता है वो एक फोटो, हमने देखा था कि लेज़र प्रिंटर क्या है, एक फोटो कॉपियर की तरह होता है, ठीक है। दो डॉट्स, इसमें क्या होता है कि जो डॉट्स ऑफ द इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज डिपॉजिट किए जाते हैं, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज होते हैं इनके डॉट्स को हम डिपॉजिट करते हैं कहाँ पर, ड्रम पे, विच पिकअप टोनर, जो कि पिकअप करते हैं टोनर को। टोनर क्या होता है, ब्लैक पाउडर फॉर्म ऑफ द इंक, इंक एक ब्लैक पाउडर फॉर्म को हम टोनर कहते हैं। रोल्ड ऑन टू द पेपर विच इज़ देन फिक्स्ड विद हीट, फिर जिसको फिक्स्ड कर दिया जाता है हीट के साथ, सही है। लेज़र प्रिंटर क्या है कि फोटो कॉपियर होता है, डॉट्स ऑफ द इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज उनको हम डिपॉजिट करते हैं ड्रम पर, जो कि पिक करते हैं टोनर को, रोल्ड एंड ऑन टू द, फिर उनको रोल किया जाता है ऑन द पेपर विच इज़ देन फिक्स्ड, फिर जिनको फिक्स कर दिया जाता है विद द हीट, हीट के साथ। टिपिकल रेजोल्यूशन ऑफ द लेज़र प्रिंटर इज 600 dpi और द बेटर, सही है। डॉट मैट्रिक्स की थी रेजोल्यूशन 80 to 120, इंक जेट एंड द बबल जेट प्रिंटर की थी 300 dpi और लेज़र प्रिंटर की रेजोल्यूशन हमारे पास कितनी होती है 600 dpi और द बेटर, सही है। उसके बाद हमारे पास आ गया मेमोरी। तो जैसा कि हमने देखा था कि मेमोरी एक ऐसा एरिया होता है, सही है, जब हम अपनी इंफॉर्मेशन को स्टोर करते हैं, टेम्प्रेरी या परमानेंटली वो एक अलग बात है, सही है। तो मेमोरी में क्योंकि चीज़ें स्टोर की जाती हैं, डाटा को स्टोर किया जाता है, फिर जब भी ज़रूरत पड़ती है तो हम उस चीज़ को, उस जब हमें रिक्वायर्ड होता है तो हम उस इंफॉर्मेशन को रिट्रीव भी करवाते हैं। तो स्टोरेज ऑफ द इंफॉर्मेशन और रिट्रीवल ऑफ द इंफॉर्मेशन दो मेन फंक्शन हैं किसके, मेमोरी के, सही है। मेमोरी की दो टाइप्स हैं, यहाँ पर एक डिस्कस की गई है कि रैंडम एक्सेस मेमोरी, रैम एंड रोम रीड ओनली मेमोरी, एंड रैम स्टैंड फॉर रैंडम एक्सेस मेमोरी। तो हम पहले रैंडम एक्सेस मेमोरी को देखते हैं। तो रैंडम एक्सेस मेमोरी, रैम स्टैंड फॉर द रैंडम एक्सेस मेमोरी, सही है। तो इसमें हम अपनी इंफॉर्मेशन को, अपने डाटा को टेम्परेरी तौर पर स्टोर करते हैं, सही है। तो इसको हम मेन मेमोरी भी कहते हैं, प्राइमरी मेमोरी भी बोला जाता है। रैम इज आल्सो स्टैंड फॉर रैंडम एक्सेस मेमोरी इज आल्सो कॉल्ड मेन मेमोरी और द प्राइमरी मेमोरी, सही है। ऑन सिलिकॉन चिप्स, इसके पॉइंट में आता है कि ये सिलिकॉन चिप्स पर होती है। 100 nanosecond एक्सेस टाइम, जो रैम का एक्सेस टाइम होता है वो कितना होता है, 100 nanosecond। यूजली वोलाटाइल्स, रैम की एक ये है कि ये एक वोलाटाइल होती है। किस तरह से वोलाटाइल से मुराद ये होता है कि जब हम अपने कंप्यूटर को बंद करें तो हमारी जो इंफॉर्मेशन है वो उसी वक्त ख़त्म हो जाती है, तो ये होती है वोलाटाइल। लूज़ द इंफॉर्मेशन इफ़ द पावर टर्न ऑफ, मतलब कि जब हम अपने सिस्टम को टर्न ऑफ कर दें तो हमारी जो इन्फॉर्मेशन होती है वो लूज़ कर जाती है, ठीक है। तो इस तरह ये रैम जो होती है वो यूजली वोलाटाइल होती है। डाटा ट्रांसफ़र, रैम में जो डाटा ट्रांसफ़र होता है एट अराउंड 100 megabytes per second, रैम में किस तरह से डाटा ट्रांसफ़र होता है, किस रेट पे, 100 megabytes per second, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आ गई मैग्नेटिक डिस्क। मैग्नेटिक डिस्क में फ्लॉपी डिस्क और हार्ड डिस्क, सही है। फ्लॉपी डिस्क जो होती है वो स्टोर करती है अराउंड 1.4 megabytes। तो फ्लॉपी डिस्क जो होती है वो कितना अराउंड, मतलब स्टोर करती है 1.4 megabytes, और जो हार्ड डिस्क होती है वो टिपिकली 40 gigabytes, सही है, 200 seconds ऑफ द gigabytes। हार्ड डिस्क का जो एक्सेस टाइम होता है वो 10 ms, ट्रांसफ़र रेट होता है इसका 100 kilobytes
पर सेकेंड। रैंडम एक्सेस मेमोरी का कितना ट्रांसफ़र रेट था, 100 मेगाबाइट्स पर सेकेंड। इसका हार्ड डिस्क का कितना है, 100 किलोबाइट्स पर सेकेंड। तो नेक्स्ट हमारे पास आ गई ऑप्टिकल डिस्क। तो ऑप्टिकल डिस्क में हम कह सकते हैं कि जो ऑप्टिकल डिस्क होती है ना, वो यूज़ करती है लेज़र्स को टू रीड एंड समटाइम्स राइट। सही है, कभी कभार लिखने के लिए, पढ़ने के लिए, और कभी कभार लिखने के लिए किस चीज़ को ऑप्टिकल डिस्क यूज़ करती है, लेज़र्स को। मोर रोबस्ट डेट मैग्नेटिक मीडिया, ये बहुत ज़्यादा रोबस्ट मतलब हमारे पास होती है। ठीक है, तो ये हो गया मेमोरी। नेक्स्ट स्लाइड हमारे पास आई फ्लैश मेमोरी। फ्लैश मेमोरी में ये होता है कि ये प्लग होती है इन द USB डिवाइसेस। इसको हम प्लग करते हैं कहाँ पर, USB डिवाइसेस में, क्या करने के लिए, डाटा को ट्रांसफ़र करने के लिए। सही है, तो फ्लैश मेमोरी में हम क्या करते हैं कि हम इसको प्लग करते हैं USB इन USB ट्रांसफ़र टू ट्रांसफ़र डाटा। तो ये तो था हमारा प्रीवियस लेक्चर जिसको हमने डिस्कस किया था, और हमने इसको अब थोड़ा सा इसको रिकॉल किया, इसके समरी को डिस्क्राइब किया है। तो अब हम नेक्स्ट लेक्चर पर चलते हैं। नेक्स्ट लेक्चर ऑफ द ACI इज़ थर्ड लेक्चर। थर्ड लेक्चर टॉपिक नेम है द इंट्रैक्शन। सही है, तो स्लाइड नंबर इसकी 2 पे आते हैं। इंट्रैक्शन, व्हाट इज़ इंट्रैक्शन, इंट्रैक्शन की डेफिनेशन। सही है, तो हम देख लेते हैं कि इंट्रैक्शन क्या होता है। इंट्रैक्शन इज़ द कम्युनिकेशन बिटवीन द यूज़र एंड द कंप्यूटर। सही है, ये कंप्यूटर और यूज़र के दरमियान कम्युनिकेशन, एक रबते को हम इंट्रैक्शन कहते हैं। सही है, क्योंकि हमने देखा था कि ACI स्टैंड फॉर ह्यूमन कंप्यूटर इंट्रैक्शन। सही है, हमने इस चीज़ को तो डिस्कस कर लिया था कि ह्यूमन क्या है, कंप्यूटर क्या है, वो किस तरह से आपस में इंटरेक्ट करते हैं, उसको किस मतलब इंटरेक्ट करवाने के लिए क्या क्या चीज़, हमारा डिज़ाइन किस तरह का होना चाहिए, ये वाली सारी चीज़ें तो हमने डिस्कस की ही थी। तो अब हमने मतलब ये देखना है, क्योंकि ACI क्या स्टैंड फॉर था, ह्यूमन कंप्यूटर इंटरेक्शन, इसमें दो एंटिटीज़ इन्वॉल्व होते हैं, कौन कौन से, यूज़र्स और ह्यूमन और कंप्यूटर। सही है, तो हमने अब ये देखना है कि जो उनके ह्यूमन और कंप्यूटर के दरमियान इंटरेक्शन हो रहा है, इंटरेक्शन बेसिकली इंटरेक्शन क्या होता है। सही है, तो अब उसकी डेफिनेशन पे आते हैं कि इंटरेक्शन इज़ द कम्युनिकेशन बिटवीन यूज़र एंड कंप्यूटर। इंटरेक्शन एक लिंक है, एक रबता है, किसके दरमियान, यूज़र और कंप्यूटर के दरमियान। हाउ द ह्यूमन यूज़र, नेक्स्ट पॉइंट इज हाउ द ह्यूमन यूज़र यूजेस द कंप्यूटर एज अ टूल। ह्यूमन जो है, ह्यूमन यूज़र जो है, वो किस तरह से कंप्यूटर को यूज़ करता है एज अ टूल। सही है, एक टूल के तौर पर, तो किस तरह से टू परफॉर्म, क्या परफॉर्म करने के लिए, सिंप्लीफाई और सपोर्ट अ टास्क, ये देखने के लिए कि ह्यूमन यूज़र किस तरह से कंप्यूटर के एक टूल के तौर पर इस्तेमाल करता है परफॉर्म करने के लिए, सिंप्लीफाई और सपोर्ट द टास्क, किसी भी टास्क को सिंप्लीफाई करने के लिए। इन ऑर्डर टू डू दिस, ये करने के लिए, दिस द यूज़र मस्ट कम्युनिकेट, ये करने के लिए मतलब किसी भी टास्क को परफॉर्म करने के लिए, किसी भी टास्क को सिंप्लीफाई करने के लिए जो यूज़र होता है वो मस्ट कम्युनिकेट, ज़रूर कम्युनिकेट करता है हिज रिक्वायरमेंट्स, अपनी ज़रूरियात को टू द कंप्यूटर, कंप्यूटर के साथ। सही है, क्योंकि इंटरेक्शन क्या है, कंप्यूटर और यूज़र के दरमियान एक लिंक, एक कम्युनिकेशन को हम इंटरेक्शन बोलते हैं। तो फिर यहाँ पे सवाल पैदा हुआ था कि किस तरह से ह्यूमन यूज़र जो है वो एक कंप्यूटर के टूल के तौर पर किसी भी टास्क को परफॉर्म करने के लिए यूज़ कर सकता है। तो इसके क्वेश्चन के आंसर में ये बताया गया कि इन ऑर्डर टू डू दिस, इस ये सब करने के लिए यूज़र जो होता है वो मस्ट कम्युनिकेट हिज रिक्वायरमेंट्स टू द कंप्यूटर। सही है, अपनी जो कंप्यूटर यूज़र होता है वो अपनी रिक्वायरमेंट्स को कंप्यूटर के साथ कम्युनिकेट करता है। तो इस तरह इनके दरमियान एक इंट्रैक्शन होता है। सही है, तो नेक्स्ट पॉइंट इज देयर आर द नंबर ऑफ द वेज, यहाँ पर काफ़ी तरीके हैं इन विच द यूज़र कैन कम्युनिकेट विद द सिस्टम। हमारे पास बहुत ज़्यादा तरीके होते हैं क्या करने के लिए कि जिसमें यूज़र जो होता है वो कम्युनिकेट करे सिस्टम के साथ, अपने कंप्यूटर के साथ। इंट्रैक्शन क्या है, बेसिकली ये कम्युनिकेशन है, एक लिंक है, एक एसोसिएशन है बिटवीन द यूज़र एंड द कंप्यूटर। तो हमारे पास ये आया था कि कंप्यूटर यूज़र किस तरह से कम्युनिकेट कर सकता है अपने कंप्यूटर के साथ, किस तरह अपनी रिक्वायरमेंट्स को कंप्यूटर के साथ कम्युनिकेट कर सकता है, किस तरह से इंट्रैक्ट कर सकते हैं।
तो इसके लिए हमारे पास देयर आर द नंबर ऑफ द वेज इन विच द यूज़र कैन कम्युनिकेट विद द सिस्टम। यहाँ पर हमारे पास नंबर ऑफ द वेज हैं, मतलब हमारे पास बहुत ज़्यादा तरीके हैं जिसमें कंप्यूटर जिसमें यूज़र कंप्यूटर के साथ कम्युनिकेट कर सकता है। तो इसमें से चंद एक दो हम डिस्कस कर लेते हैं। एट वन एक्सट्रीम, एट वन और वन अप्रोच इज बैच इनपुट। पहले हमारे पास अप्रोच क्या है, पहला तरीका हमारे पास क्या है, बैच इनपुट, सही है। एंड सेकंड अप्रोच इज आर हाईली इंटरेक्टिव इनपुट डिवाइसेस पैराडाइम्स, सही है। फर्स्ट वन इज बैच इनपुट। तो बैच इनपुट में क्या होता है, एट वन एक्सट्रीम इज बैच इनपुट इन विच द यूज़र, जिसमें यूज़र प्रोवाइड्स ऑल द इंफॉर्मेशन टू द कंप्यूटर एट वंस एंड लीव्स द मशीन टू परफॉर्म द टास्क। क्योंकि हमारे पास बहुत ज़्यादा तरीके थे क्या करने के लिए, कंप्यूटर के साथ इंटरेक्ट करने के लिए, कम्युनिकेट करने के लिए। तो फर्स्ट वन इज़ बैच इनपुट। बैच इनपुट में क्या होता है कि जो यूज़र होता है वो प्रोवाइड करता है ऑल द इंफॉर्मेशन, तमाम अपनी इंफॉर्मेशन को टू द कंप्यूटर। अपनी उसके पास यूज़र के पास जितनी भी इंफॉर्मेशन होती है ना वो कंप्यूटर को देता है, सही है। अपनी तमाम इंफॉर्मेशन यूज़र ने प्रोवाइड कर देनी होती है किसको, कंप्यूटर को, एडवांस फॉरन ही। एंड लीव्स छोड़ देता है मशीन को टू परफॉर्म द टास्क को परफॉर्म करने के लिए, सही है। बैच इनपुट में क्या होता है कि यूज़र के पास जितनी भी इंफॉर्मेशन है ना उसने अपने कंप्यूटर को दे देनी है, सारी की सारी कंप्यूटर को इन्फॉर्मेशन दे देनी है, तो कंप्यूटर को छोड़ देना है कि वो अपना टास्क को परफॉर्म करे, सही है। दिस अप्रोच डज इन्वॉल्व एन इंट्रैक्शन बिटवीन द यूज़र एंड द कंप्यूटर। ये जो अप्रोच है वो यहाँ पे बताया जा रहा है कि ये जो अप्रोच होती है वो इन्वॉल्व करती है किस चीज़ को, एक इंट्रैक्शन को, किसके दरमियान, यूज़र और कंप्यूटर के दरमियान, कंप्यूटर और यूज़र के दरमियान एक इंट्रैक्शन को इन्वॉल्व करती है। बट डज नॉट सपोर्ट मच, लेकिन ये सपोर्ट नहीं करती मैनी टास्क को। ये जो अप्रोच है ना ये इंट्रैक्शन को तो इन्वॉल्व करती है कंप्यूटर और यूज़र के दरमियान, लेकिन ये बहुत ज़्यादा जो टास्क होते हैं ना उनको सपोर्ट नहीं करती, सही है। ये थी हमारे पास एक अप्रोच, एक सिस्टम, एक वे जिसके थ्रू यूज़र कंप्यूटर के साथ इंट्रैक्ट करते हैं, सही है। नेक्स्ट हमारे पास आ गई, एट द अदर एक्सट्रीम आर हाईली इंट्रैक्टिव इनपुट डिवाइसेस पैराडाइम्स, सही है। एंड द एप्लीकेशन ऑफ द वर्चुअल रियलिटी हेयर द यूज़र, यहाँ पर क्या करता है, यूज़र इज़ कॉन्स्टेंटली प्रोवाइडिंग द इंस्ट्रक्शन एंड द रिसीविंग द फीडबैक, सही है। इस अप्रोच में क्या होता है, इस तरीके में क्या होता है कि यूज़र जो होता है ना वो मुस्तकिल तौर पर कॉन्स्टेंटली अपनी इंफॉर्मेशन, अपनी इंस्ट्रक्शन कंप्यूटर को देता रहता है और रिसीव करता रहता है किस चीज़ को, फीडबैक को, सही है। हमारे पास दो मेथड थे, फर्स्ट वन इज़ इनपुट बैच एंड सेकेंड इज़ आर इंटरेक्टिव इनपुट डिवाइसेस पैराडाइम्स, सही है। तो फर्स्ट में ये होता था कि कंप्यूटर जो होता था ना वो एक साथ ही अपनी यूज़र जो था वो अपनी एक साथ ही सारी इंफॉर्मेशन अपने कंप्यूटर को देता था और छोड़ देता था कि अब अपनी सारी उसने इंफॉर्मेशन दे दी कंप्यूटर को और इस बात को छोड़ देता था कि अब खुद ही कंप्यूटर अपनी मशीन अपने काम को परफॉर्म करती चली जाए, सही है। लेकिन सेकेंड अप्रोच में हमारे पास क्या होता है कि इसमें यूज़र जो है वो कॉन्स्टेंटली अपनी इंस्ट्रक्शंस, अपनी इंफॉर्मेशन कंप्यूटर को देता है और साथ साथ ही रिसीव करता जाता है फीडबैक को, सही है। तो होप्स हो के समझ आ गई होगी कि इंट्रैक्शन क्या होता है, ये कम्युनिकेशन होता है बिटवीन द यूज़र एंड द कंप्यूटर। तो नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड इज सम टर्म्स ऑफ द इंट्रैक्शन। इंट्रैक्शन की कुछ टर्म्स हैं अब, सही है। इंट्रैक्शन अब हमें समझ आ गया क्या होता है, ये कम्युनिकेशन होता है बिटवीन द यूज़र एंड द कंप्यूटर। तो इसकी कुछ टर्म्स हैं, कुछ टर्म्स यूज़ की गई थी इंट्रैक्शन के लिए, तो वो देख लेते हैं। थ्री टर्म्स, डोमेन, फर्स्ट वन इज़ डोमेन, सेकंड वन इज़ गोल एंड थर्ड वन इज़ टास्क और एक्शन। डोमेन व्हाट इज़, अब हम देखते हैं कि व्हाट इज़ डोमेन। डोमेन इज़ डिफाइंड एज द एरिया ऑफ द वर्क अंडर द स्टडी, सही है। डोमेन क्या होती है, एरिया ऑफ द वर्क, काम का वो एरिया अंडर द स्टडी, सही है। डोमेन इज़ द एरिया ऑफ वर्क अंडर द स्टडी। तो इसको अब हम फर्दर भी देख लेते हैं कि डोमेन क्या होती है। अगर स्पेसिफिक टू द इंटरनेट, अगर हम स्पेसिफिक कर दें डोमेन को टू द इंटरनेट, द टर्म डोमेन कैन रेफर टू हाउ द इंटरनेट इज़ स्ट्रक्चर। अगर हम फ़र्ज़ करें कि हम डोमेन को रेफ़र कर देते हैं एक स्पेसिफिक इंटरनेट के साथ, तो हम इस टर्म को इस तरह से रेफ़र करेंगे कि टू हाउ द इंटरनेट इज़ स्ट्रक्चर। डोमेन क्या होती है कि किस तरह से इंटरनेट को हमने बनाया है, किस तरह से स्ट्रक्चर्ड किया है। एंड द डोमेन आल्सो रेफर्स टू हाउ एन ऑर्गेनाइजेशन नेटवर्क रिसोर्सेज आर ऑर्गेनाइज,
फिर अगर हमने स्पेसिफिक डोमेन को स्पेसिफिक किया किसके साथ, इंटरनेट के साथ ना, तो फिर हमें डोमेन ये भी बताएगी कि किस तरह से एक ऑर्गेनाइजेशन के नेटवर्क रिसोर्सेज को हमने ऑर्गेनाइज्ड किया है। इन जनरल एक डोमेन इज़ एन एरिया ऑफ द कंट्रोल और द स्फेयर ऑफ द नॉलेज। अगर हम आम तौर पर देखें कि डोमेन क्या होती है, तो डोमेन एक एरिया है किस चीज़ का, ऑफ द कंट्रोल, कंट्रोल का एरिया, और या स्फेयर ऑफ द नॉलेज, या नॉलेज या एक नॉलेज का स्फेयर होता है। इन जनरल डोमेन इज एन एरिया ऑफ द कंट्रोल और अ स्फेयर ऑफ द नॉलेज। सही है, डोमेन क्या चीज़ होती है कि ये एरिया ऑफ द कंट्रोल है या स्फेयर ऑफ द नॉलेज है। सही है, अगर एग्जाम्पल्स ऑफ द डोमेन आर, एग्जाम्पल देखते हैं अब डोमेन की, आर ग्राफिक डिज़ाइंस, ऑथरिंग एंड प्रोसेस कंट्रोल इन अ फैक्ट्री। जो एग्जाम्पल्स हैं ऑफ द डोमेन के, ग्राफिक डिज़ाइन, ऑथरिंग एंड द प्रोसेस कंट्रोल इन अ फैक्ट्री। एक डोमेन कंसिस्ट ऑफ द कॉन्सेप्ट, डोमेन जो होती है वो कंसिस्ट होती है किस चीज़ पर, कॉन्सेप्ट पर, डेट हाईलाइट्स इट्स इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट। ये कॉन्सेप्ट पर मुश्तमिल होती है डोमेन, जो कि हाईलाइट करते हैं किस चीज़ को, इनके इस डोमेन के इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट को। इन अ ग्राफिक, क्योंकि हमने एग्जाम्पल दिया ना ग्राफिक डिज़ाइन डोमेन, तो ग्राफिक डिज़ाइन डोमेन में क्या होता है कि इन अ ग्राफिक डिज़ाइन डोमेन सम ऑफ द इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट आर द ज्योमेट्रिक शेप्स। कुछ जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होते हैं वो किस शक्ल के होते हैं, ज्योमेट्रिक शेप के, एक ड्राइंग सरफेस एंड द ड्राइंग यूटेंसिल। सही है, तो नेक्स्ट हमारे पास आया गोल। तो गोल का हम कह सकते हैं, गोल इज डिफाइंड एज व्हाट यू वांट टू अचीव। गोल ये होता है कि आप क्या मतलब अचीव करना चाहते हो। सही है, डोमेन एरिया ऑफ द वर्क अंडर द स्टडी एंड गोल क्या होता है कि व्हाट यू वांट टू अचीव, आप क्या अचीव करना चाहते हैं। तो इसकी एग्जांपल में हम देख लेते हैं, एक सॉलिड रेड, क्रिएट अ सॉलिड रेड ट्रायंगल ऑन द कन्वेस। सही, तो गोल क्या है कि व्हाट यू वांट टू अचीव। गोल इज़ डिस्क्राइब्ड आउटपुट फ्रॉम द परफॉर्म्ड टास्क। जो हमने टास्क परफॉर्म किया है ये आउटपुट होती है। गोल इज़ अ डिज़ायर्ड आउटपुट, गोल जो होते हैं वो हमारी डिज़ायर्ड आउटपुट होती है फ्रॉम अ परफॉर्म्ड टास्क। परफॉर्म्ड टास्क से डिज़ायर्ड आउटपुट को गोल कहते हैं। सही है, गोल के हम फर्दर भी देख लेते हैं, अगर देखना हाँ गोल्स, जैसा कि मतलब गोल्स ऑफ द ACI, हमने देखा था ना पिछले प्रीवियस लेक्चर में कि ACI के गोल्स क्या थे, द गोल्स ऑफ द ACI, कि हम ACI को डेवलप करके हम मतलब क्या गोल, हमारे क्या गोल है, हम क्या अचीव करना चाहते थे। द गोल्स ऑफ द ACI आर टू प्रोड्यूस यूजेबल एंड द सेफ सिस्टम एज वेल एज द फंक्शनल सिस्टम। तो ACI के गोल ये थे हमारे पास कि हम एक ऐसा सिस्टम प्रोड्यूस करना चाहते थे जो कि फंक्शनल हो, सेफ हो और द यूजेबल हो। इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस द कंप्यूटर सिस्टम विद द गुड यूजबिलिटी, कंप्यूटर सिस्टम को एक अच्छी यूजबिलिटी के साथ प्रोड्यूस करने के लिए डिवेलपर जो होते हैं वो मस्ट अटैम्प्ट टू, वो मस्ट अटैम्प्ट करते हैं किस चीज़ को, अंडरस्टैंड द फैक्टर्स डेट डिटरमाइन, उस के डिवेलपर जो होते हैं कि अंडरस्टैंड करते हैं उन फैक्टर को जो कि इस चीज़ को मालूम करते हैं, हाउ द पीपल यूज़ द टेक्नोलॉजी, के लोग पीपल किस तरह से टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हैं। क्योंकि गोल्स ये चीज़ है ना कि व्हाट यू वांट टू अचीव, कि हम क्या करना चाहते थे। हम ACI के भी गोल ये हैं कि हम एक ऐसा सिस्टम प्रोड्यूस करना चाहते हैं जो सेफ और यूजेबल हो। सही है, डिवेल्प टूल्स एंड द टेक्निक्स टू इनेबल द बिल्डिंग सूटेबल सिस्टम। सही है, तो होप्स हो के गोल समझ आ गया होगा। अब हम देखते हैं कि टास्क और द एक्शन, हाउ यू गो अबाउट डूइंग इट। सही है, टास्क क्या होते हैं कि हाउ यू गो अबाउट डूइंग इट, अल्टीमेटली इन टर्म्स ऑफ द ऑपरेशंस और द एक्शन। टास्क और द एक्शन इज डिफाइंड एज हाउ यू गो अबाउट डूइंग इट, अल्टीमेटली इन टर्म्स ऑफ द ऑपरेशन और द एक्शन। टास्क आर द ऑपरेशंस टू मैनिपुलेट द कंसेप्ट ऑफ द डोमेन। टास्क जो होते हैं वो क्या होता है कि वो ये मैनिपुलेट करते हैं कंसेप्ट ऑफ द डोमेन, डोमेन के कॉन्सेप्ट्स को। टास्क क्या करते हैं कि ये ऑपरेशन होते हैं डोमेन के कंसेप्ट को मैनिपुलेट करने के लिए। टास्क एनालिसिस इन्वॉल्व्स द आइडेंटिफिकेशन ऑफ द प्रॉब्लम। टास्क एनालिसिस में क्या क्या इन्वॉल्व होता है, आइडेंटिफिकेशन ऑफ द प्रॉब्लम, प्रॉब्लम की आइडेंटिफिकेशन, स्पेस फॉर द यूज़र ऑफ एन इंटरेक्टिव सिस्टम इन टर्म्स ऑफ द डोमेन, गोल्स, इंटेंशन एंड द टास्क। सही है, इसकी एग्जांपल गोल्स टास्क दे लेते हैं। टास्क क्या होते हैं, ये ऑपरेशन होते हैं जो कि मैनिपुलेट करते हैं किस चीज़ को, डोमेन के कॉन्सेप्ट्स को। सेलेक्ट फिल टूल, क्लिक ओवर द ट्रायंगल
एंड ये इसकी एग्जांपल्स हैं, सही है। तो अगर टास्क को हम फर्दर देखें तो ये कह सकते हैं कि टास्क इज अ सीरीज ऑफ द एक्टिविटीज़ और द एक्शंस रिक्वायर्ड टू अचीव अ गोल। टास्क जो होते हैं वो हमारे पास एक सीरीज़ होती है ऑफ द एक्टिविटीज़, एक्टिविटीज़ और एक्शन की एक ऐसी सीरीज जिसकी हमें ज़रूरत पड़ती है क्या करने के लिए, किसी भी गोल को अचीव करने के लिए, सही है। कि टास्क क्या होते हैं कि एक सीरीज़ होती है ऑफ द एक्टिविटीज़ जिसकी हमें कब ज़रूरत पड़ती है, जब हमने गोल को अचीव करना होता है। एक टास्क इज़ अ स्ट्रक्चर सेट ऑफ द एक्टिविटीज़। टास्क जो होता है वो एक एक्टिविटीज़ का एक स्ट्रक्चर्ड सेट होता है। द टास्क कैन इन्वॉल्व द प्रॉब्लम सॉल्विंग और सिलेक्टिंग बिटवीन द अल्टरनेटिव एक्शन। टास्क जो होते हैं वो इन्वॉल्व कर सकते हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग को या सिलेक्टिंग बिटवीन द अल्टरनेटिव एक्शन। एन एक्शन, टास्क और एक्शन, मतलब एक्शन क्या होता है, एन एक्शन इज़ अ सिंपल टास्क विच रिक्वायर्स नो प्रॉब्लम सॉल्विंग। एक्शन एक ऐसा सिंपल टास्क है जिसको प्रॉब्लम सॉल्विंग की ज़रूरत नहीं होती, सही है। तो अब हम नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं, मॉडल्स ऑफ द इंट्रैक्शन। हमारे पास नेक्स्ट स्लाइड क्या है, मॉडल्स ऑफ द इंट्रैक्शन। मॉडल्स ऑफ द इंट्रैक्शन के हम थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन को देख लेते हैं कि मॉडल्स ऑफ द इंट्रैक्शन हेल्प अस टू अंडरस्टैंड कम्प्लेक्स बिहेवियर एंड द कम्प्लेक्स सिस्टम, सही है। जो मॉडल्स ऑफ द इंट्रैक्शन है ना, इंट्रैक्शन के हमने सबसे पहले इंट्रैक्शन की डेफिनेशन को देखा, उसके टर्म्स को देखा, अब हम उसके मॉडल्स को डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे हमें बताया जा रहा है कि जो इंट्रैक्शन के मॉडल्स होते हैं वो क्या करते हैं, वो हेल्प करते हैं हमारी क्या करने के लिए, अंडरस्टैंड करने के लिए कम्प्लेक्स बिहेवियर और कम्प्लेक्स सिस्टम को। कम्प्लेक्स सिस्टम और कम्प्लेक्स बिहेवियर को अंडरस्टैंड करने के लिए हमें इंट्रैक्शन के मॉडल्स की ज़रूरत पड़ती है। इंट्रैक्शन इन्वॉल्व एट लीस्ट द टू पार्टिसिपेंट। इंट्रैक्शन जो होती है वो इन्वॉल्व करती है दो पार्टिसिपेंट, कौन कौन से, द यूज़र एंड द सिस्टम। बोथ आर द कम्प्लेक्स, दोनों बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हैं एंड आर वेरी डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, और ये दोनों ही एक दूसरे से बहुत ज़्यादा डिफरेंट होते हैं, सही है। मॉडल्स ऑफ इंट्रैक्शन हेल्प अस टू अंडरस्टैंड द कॉम्प्लेक्स बिहेवियर एंड द कॉम्प्लेक्स सिस्टम, ओके। एंड देन द यूज ऑफ द मॉडल्स ऑफ द इंट्रैक्शन कैन हेल्प अस टू अंडरस्टैंड एग्जैक्टली व्हाट इज गोइंग ऑन इन द इंट्रैक्शन, सही है। जो यूज़ ऑफ द मॉडल्स, इंट्रैक्शन के मॉडल के जो इस्तेमाल है, कैन हेल्प, हमें हेल्प कर सकता है टू अंडरस्टैंड, क्या अंडरस्टैंड करने के लिए, कि एग्जैक्टली व्हाट इज़ गोइंग ऑन इन द इंट्रैक्शन, कि इंट्रैक्शन में एग्जैक्टली क्या होने जा रहा है, सही है। जो मॉडल ऑफ द इंट्रैक्शन होते हैं वो हमें हेल्प करते हैं किस बात में, कि इस बात को समझने के लिए कि इंट्रैक्शन के अंदर क्या होने जा रहा है। एंड आइडेंटिफाई, और आइडेंटिफाई करते हैं द लाइकली रूट ऑफ द डिफ़िकल्टीज। और मॉडल्स ऑफ द इंट्रैक्शन क्या करते हैं कि आइडेंटिफाई करते हैं किस चीज़ को, रूट ऑफ द डिफ़िकल्टीज़ को। दे आल्सो प्रोवाइड अस, ये हमें मुहैया करते हैं विद द फ्रेमवर्क टू कंपेयर डिफरेंट इंट्रैक्शन स्टाइल्स एंड टू कंसीडर द इंट्रैक्शन प्रॉब्लम। इंट्रैक्शन मॉडल हमें क्या क्या करते हैं कि इंट्रैक्शन मॉडल ये हमें एक फ्रेमवर्क प्रोवाइड करते हैं क्या करने के लिए, कंपेयर करने के लिए डिफरेंट इंट्रैक्शन स्टाइल को, एंड टू कंसीडर डिफरेंट इंट्रैक्शन स्टाइल को कंपेयर करने के लिए इंट्रैक्शन मॉडल हमें एक फ्रेमवर्क मुहैया करते हैं। एंड टू कंसीडर, और कंसीडर करने के लिए इंट्रैक्शन प्रॉब्लम को, इंट्रैक्शन प्रॉब्लम को समझने के लिए, सही है। मॉडल ऑफ इंट्रैक्शन हमारे लिए क्यों ज़रूरी है, मॉडल ऑफ इंट्रैक्शन जो होते हैं वो हेल्प करते हैं किसी भी कॉम्प्लेक्स सिस्टम, कॉम्प्लेक्स बिहेवियर को अंडरस्टैंड करने के लिए। ये हमें हेल्प करते हैं कि हम इस बात को समझें कि इंट्रैक्शन के अंदर क्या होने जा रहा है, सही है। व्हाट इज़ गोइंग ऑन, व्हाट इज़ एग्जैक्टली गोइंग ऑन इन द इंट्रैक्शन। ये हमें एक ऐसा फ्रेमवर्क मुहैया करते हैं जिसमें हम डिफरेंट इंट्रैक्शन स्टाइल को कंपेयर करते हैं और डिफरेंट इंट्रैक्शन प्रॉब्लम को कंसीडर करते हैं, सही। वी बिगिन, सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं इंट्रैक्शन मॉडल जो होता है वो, उसको हम स्टार्ट करेंगे बाय कंसीडरिंग द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल मॉडल ऑफ द इंट्रैक्शन विच इज़ वन, द एग्जीक्यूशन इवैल्यूएशन साइकिल, नॉर्मन्स एग्जीक्यूशन इवैल्यूएशन साइकिल। हम सबसे पहले किस मॉडल को डिस्कस करेंगे कि नॉर्मन्स का जो एग्जीक्यूशन इवैल्यूएशन मॉडल है, ठीक है। द एग्जीक्यूशन इवैल्यूएशन मॉडल डिस्क्राइब्स द इंट्रैक्शन इन टर्म ऑफ द गोल्स एंड द एक्शन ऑफ द यूज़र। एग्जीक्यूशन इवैल्यूएशन जो नॉर्मन्स का एग्जीक्यूशन इवैल्यूएशन साइकिल था, इसने किस टर्म में इंट्रैक्शन को डिस्क्राइब किया, ऑफ द गोल्स एंड द एक्शन ऑफ द यूज़र्स, यूज़र्स के गोल और एक्शन में, ठीक है। इट इज़ द नॉर्मल मॉडल्स ऑफ द इंट्रैक्शन, ये इंट्रैक्शन नॉर्मल का मॉडल ऑफ इंट्रैक्शन है,
सही है. नॉर्मल मॉडल ऑफ इंट्रैक्शन इज पर हैव द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल इन द ह्यूमन कंप्यूटर इंट्रैक्शन. वो हमें यहाँ पे बताया जा रहा है कि जो नॉर्मल्स का मॉडल ऑफ इंट्रैक्शन है ना, ये सबसे मोस्ट इन्फ्लुएंशियल है किसमें, ह्यूमन कंप्यूटर इंट्रैक्शन में, इन ACI में. इन एग्जीक्यूशन इवेल्यूएशन साइकिल द यूज़र फार्मूलेट्स द प्लान. इस मॉडल में क्या होता है कि नॉर्मल का साइकिल मॉडल कौन सा है कि एग्जीक्यूशन इवेल्यूएशन साइकिल. ठीक है, एग्जीक्यूशन इवेल्यूएशन साइकिल में क्या होता है कि जो यूज़र होता है फार्मूलेट्स अ प्लान ऑफ द एक्शन, एक्शन का एक प्लान बनाता है विच इज़ देन एग्जीक्यूटेड एट द कंप्यूटर इंटरफेस, जिसको फिर एग्जीक्यूट किया जाता है कहाँ पर, कंप्यूटर इंटरफेस में. ठीक है, इन एग्जीक्यूशन इवेल्यूएशन साइकिल द यूज़र फार्मूलेट्स अ प्लान ऑफ द एक्शन विच इज़ देन एग्जीक्यूटेड एट द कंप्यूटर इंटरफेस. एग्जीक्यूशन इवेल्यूएशन में क्या होता है कि जो यूज़र होता है वो एक्शन के अपने एक एक्शन का प्लान बनाता है, फिर इसको एग्जीक्यूट करता है कंप्यूटर इंटरफेस में. व्हेन द प्लान और द पार्ट ऑफ द प्लान हैज़ बीन एग्जीक्यूटेड द यूज़र ऑब्जर्व्स द कंप्यूटर इंटरफेस टू इवेल्यूएट द रिजल्ट्स ऑफ द एग्जीक्यूटेड प्लान. जब हम प्लान बना लेते हैं यूज़र्स उसको एग्जीक्यूट कर लेता है, तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि व्हेन द प्लान और द पार्ट ऑफ द प्लान हैज़ बीन एग्जीक्यूटेड, जब प्लान हमारा एग्जीक्यूट हो जाता है जो यूज़र होता है वो ऑब्जर्व करता है कंप्यूटर इंटरफेस को. सही है, जो यूज़र होता है हमारा वो कंप्यूटर इंटरफेस को ऑब्जर्व करता है. देन क्या करने के लिए, एवेल्यूएट करने के लिए ऑफ द रिज़ल्ट को ऑफ द एग्जीक्यूटेड प्लान. एग्जीक्यूटेड प्लान के रिजल्ट को एवेल्यूएट करने के लिए हमारा जो यूज़र होता है वो कंप्यूटर इंटरफेस को ऑब्जर्व करता है. एंड टू डिटरमाइन द फर्दर एक्शन, और क्या करने के लिए, जो हमारे पास फर्दर एक्शन होते हैं उनको डिटरमाइन करने के लिए. द इंटरेक्टिव साइकिल, जो इंटरेक्टिव साइकिल है, ये जो एग्जीक्यूशन एवेल्यूएशन साइकिल है, कैन बी डिवाइडेड इनटू द मेजर फेजेस. इसको हम मेजर फेजेस में डिवाइड कर सकते हैं, एग्जीक्यूशन एंड द एवेल्यूएशन. कौन से फेजेस में, दो फेजेस में हम इसको डिवाइड कर सकते हैं, एग्जीक्यूशन एंड द एवेल्यूएशन. दीज कैन देन बी सब डिवाइडेड इनटू द फर्दर स्टेजेस, फिर हम इनको फर्दर स्टेजेस में डिवाइड कर सकते हैं. सही है, द स्टेजेस इन द नॉर्मल मॉडल ऑफ द इंट्रैक्शन आर एज फॉलो. जो स्टेजेस हैं नॉर्मल्स की वो हमारे पास, सबसे पहले फर्स्ट वन स्टेज इज इस्टेब्लिशिंग द गोल. सबसे पहले हमने, हमारे पास स्टेज जो होती है वो हमारे पास क्या होती है कि हमने इस्टेब्लिश करना अपने गोल को कि व्हाट यू वांट टू अचीव, कि हम क्या अचीव करना चाहते हैं. हमने अपने गोल को सेट करना है, अपने गोल को इस्टेब्लिश करना है. देन नेक्स्ट हमारे पास जो स्टेज आएगी उसमें हमने क्या करना है, फॉर्मिंग द इंटेंशन. फिर हमने अपनी जो इंटेंशन है उसको फॉर्मिंग करना है. ठीक है, देन सबसे पहले स्टेज क्या है, हमने इस्टेब्लिश करना है अपने गोल को सेट करना है. देन फॉर्मिंग द इंटेंशन एंड देन स्पेसिफाइंग द एक्शन सीक्वेंस. फिर हमने अपने जो एक्शन का सीक्वेंस है उसको स्पेसिफाई करना है. सही है, देन हमने एग्जीक्यूटिंग करना है द एक्शन को. हमने सबसे पहले इस्टेब्लिश किया अपने गोल को, फिर हमने फॉर्मिंग किया इंटेंशन को, स्पेसिफाइंग द एक्शन सीक्वेंस, फिर हमने अपने एक्शन के सीक्वेंस को स्पेसिफाई किया, फिर हमने क्या कर देना है, अपने एक्शन को एग्जीक्यूट करवाना है. ठीक है, फिर हमने परसीव करना है द सिस्टम स्टेट को. सिस्टम स्टेट को परसीव करना है, एग्जीक्यूशन द एक्शन करने के बाद, अपने एक्शन को एग्जीक्यूट करवाने के बाद क्या करना है नेक्स्ट स्टेज में, परसीव द सिस्टम. देन परसीव सिस्टम स्टेट को परसीव करने के बाद क्या करना है, इंटरप्रेटिंग द सिस्टम स्टेट, के मैनिपुलेट सिस्टम स्टेट को हमने क्या करना है, इंटरप्रेट मतलब सिस्टम स्टेट की तशरीह करनी है. देन नेक्स्ट एंड द लास्ट स्टेज ऑफ द मॉडल ऑफ द एग्जीक्यूशन एवेल्यूएशन साइकिल की, एवेल्यूएटिंग द सिस्टम स्टेट विद रिस्पेक्ट टू द गोल एंड द इंटेंशन. हमने अपने सिस्टम स्टेट को एवेल्यूएट करना है किसके रिस्पेक्ट के साथ, गोल्स एंड द इंटेंशन. सही है, तो ये तो थी एग्जीक्यूशन एवेल्यूएशन की साइकिल्स. उसने स्टेजेस के हम नॉर्मल्स हमें बताया कि इसके हम सात स्टेज में ना किसी भी डिज़ाइन को डेवलप करने के लिए हमारे पास सात स्टेजेस होती हैं. सही, फर्स्ट वन इज़ एस्टैब्लिश द गोल. सबसे पहले हमने एस्टैब्लिश किया अपने गोल को, फिर फॉर्मिंग द इंटेंशन, फिर देन स्पेसिफाइंग द एक्शन सीक्वेंस, एग्जीक्यूटिंग द एक्शन, परसीविंग द सिस्टम स्टेट, इंटरप्रेटिंग द सिस्टम स्टेट, एवेल्यूएटिंग द सिस्टम स्टेट विद रिस्पेक्ट टू गोल एंड द इंटेंशन. सही है, ईच स्टेज इज ऑफ कोर्स एन एक्टिविटी ऑफ द यूज़र. तो उसने जो नॉर्मल है ना उसने हमें बताया कि ये जो सहार स्टेज है ना, ये ऑफ कोर्स ये यूज़र की एक एक्टिविटी है. नॉर्मल यूज़ इज़ द सिंपल एग्जांपल ऑफ द स्विचिंग ऑन अ लाइट
टू इलस्ट्रेट दिस साइकिल। नॉर्मन ने एक सिंपल एग्जांपल यूज़ की थी स्विचिंग ऑन लाइट, इस साइकिल को डिस्क्राइब करने के लिए, इलस्ट्रेट करने के लिए नॉर्मन ने एक सिंपल एग्जांपल यूज़ की थी, कौन सी, स्विचिंग ऑन अ लाइट। नॉर्मन यूजेस दिस मॉडल ऑफ द इंट्रैक्शन टू डेमोंस्ट्रेट व्हाई सम इंटरफेसिस कॉजेस प्रॉब्लम्स टू देयर यूजर्स। नॉर्मन ने यूजेस दिस मॉडल, नॉर्मन ने इस मॉडल को यूज़ किया ऑफ द इंट्रैक्शन टू डेमोंस्ट्रेट, इस बात की वजाहत करने के लिए कि क्यों कुछ इंटरफेसिस जो होते हैं वो अपने यूजर्स के लिए प्रॉब्लम का, मतलब प्रॉब्लम का सबब बनते हैं। सही है, नॉर्मन ने हमें क्या क्या बताया कि ये जो हर स्टेज होती है ना वो एक यूज़र की एक्टिविटी होती है। नॉर्मन ने एक सिंपल एग्जांपल यूज़ की थी इस साइकिल को डिस्क्राइब करने के लिए। नॉर्मन ने इस मॉडल को यूज़ किया क्या डेमोंस्ट्रेट करने के लिए, क्या डिस्क्राइब करने के लिए कि क्यों कुछ इंटरफेसिस अपने यूजर्स के लिए प्रॉब्लम का सबब बनती हैं। ही डिस्क्राइब्स दीज इन टर्म्स ऑफ द गल्फ ऑफ द एग्जीक्यूशन एंड द गल्फ ऑफ द एवेल्यूएशन। उसने इन टर्म्स को डिस्क्राइब किया किन टर्म्स में, गल्फ ऑफ द एग्जीक्यूशन एंड द गल्फ ऑफ द एवेल्यूएशन। सही है, तो नेक्स्ट स्लाइड पे अब चलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में हमने क्योंकि हमारे पास हमने जो नॉर्मल का एग्जीक्यूशन एवेल्यूएशन साइकिल है ना उसको दो फेजेस में डिवाइड किया था, एग्जीक्यूशन एंड द एवेल्यूएशन। ये डायग्राम है, इसमें हम देख सकते हैं कि एग्जीक्यूशन है गोल, एवेल्यूएशन एंड द सिस्टम। सबसे पहले हमने क्या किया, यूज़र ने इस्टेब्लिश किया अपने गोल्स को। सही है, सबसे पहले क्या किया गया कि अपने गोल को सेट किया गया, यूज़र ने इस्टेब्लिश किया किस चीज़ को, अपने गोल को, एंड बाकी स्टेजेस वैसी की वैसी ही रह गई। सही है, देन फिर हमारे पास आया, इस्टेब्लिश कर लिया। नेक्स्ट स्लाइड नंबर 6 पे हमने देखा कि एग्जीक्यूशन स्टार्ट हुई है। सही है, डायग्राम में ये सर्कल का जो सर्कल किया हुआ है एग्जीक्यूशन को, ये हमें इस बात की इंडिकेशन है कि एग्जीक्यूशन स्टार्ट हो चुकी है। तो एग्जीक्यूशन में कौन कौन से स्टेप हमारे पास जो है वो एग्जीक्यूट होंगे, वो होगा सबसे पहले फार्मूले, सबसे पहले हमारे पास क्या हुआ है कि हमने सेट किया अपने गोल्स को, वो पिछली स्लाइड में कर लिया था। ठीक है, अब क्या हुआ है कि एग्जीक्यूशन स्टार्ट हुई है। फार्मूलेट्स इंटेंशन, इसमें तीन स्टेप परफॉर्म होंगे, फार्मूलेट्स द इंटेंशन, स्पेसिफाई द एक्शन, एट द इंटरफेसिस एंड एग्जीक्यूट द एक्शन। सही है, एग्जीक्यूशन में नेक्स्ट स्लाइड नंबर 7 में ये हुआ कि एवेल्यूएशन, एग्जीक्यूशन हो गई, उसके बाद हमारे पास क्या होना है, एवेल्यूएशन होना है। ठीक है, एवेल्यूएशन में कौन कौन से स्टेप परफॉर्म होने हैं, परसीव्स सिस्टम स्टेट, पर इंटरप्रेट सिस्टम स्टेट, एवेल्यूएट द सिस्टम स्टेट विद रिस्पेक्ट टू गोल्स। ठीक है, तो ये हमारे पास तीन स्टेजेस में हमने इसको कर लिया कि सबसे पहले हमने इस्टेब्लिश किया अपने इस गोल को, फिर हमने एग्जीक्यूशन हुई तो तीन स्टेप परफॉर्म किए, फिर एवेल्यूएशन हुई तो तीन स्टेप परफॉर्म किए। तो नेक्स्ट हमारे पास आ गया अबाउट एंड द बील फ्रेमवर्क। सही है, द इंट्रैक्शन फ्रेमवर्क अटेम्प्ट्स द मोर रियलिस्टिक डिस्क्रिप्शन ऑफ द इंट्रैक्शन बाय इंक्लूडिंग द सिस्टम एक्सप्लिसिटी एंड ब्रेक्स इट इनटू द फोर मेन कंपोनेंट्स। सही है, देन इट इज़ द एक्सटेंशन ऑफ द नॉर्मल। ये जो अबाउट एंड द बील फ्रेमवर्क है ना, ये एक्सटेंशन है नॉर्मल के एग्जीक्यूशन साइकिल की। ये एक एक्सटेंशन हमें कि उसको एक्सटेंड किया गया था। सही है, ये जो बोल्ड है ना, क्या इसका अबाउट एंड द बील फ्रेमवर्क है ना, ये क्या चीज़ है हमारे पास, ये जो नॉर्मन का एग्जीक्यूशन साइकिल था ना, इसको हमने एक्सटेंड किया है। सही है, एक्सटेंड करने के बाद जो हमारे पास आया था एक फ्रेमवर्क, उसको हमने नाम दिया अबाउट एंड द बील फ्रेमवर्क। दिस इंट्रैक्शन फ्रेमवर्क हैज़ अ फोर पार्ट्स और द कंपोनेंट्स। इसके फ्रेमवर्क के कितने पार्ट्स हैं, द यूज़र, इनपुट सिस्टम एंड द आउटपुट। इस फ्रेमवर्क को फोर कंपोनेंट्स में डिवाइड किया गया, फर्स्ट वन इज़ द यूज़र, सेकंड वन इज़ इनपुट, थर्ड वन इज़ द सिस्टम, फोर्थ वन इज़ आउटपुट। ठीक है, ईच हैज़ इट्स ओन यूनिक लैंग्वेज। ये जो फोर कंपोनेंट्स हैं ना, उनकी अपनी अपनी क्या है, लैंग्वेज होती है, इंट्रैक्शन ट्रांसलेशन बिटवीन द लैंग्वेजेस। सही है, देन हमारे पास प्रॉब्लम आ गया, प्रॉब्लम इंट्रैक्शन बराबर इज इक्वल टू प्रॉब्लम इन ट्रांसलेशन। ठीक है, द इनपुट लैंग्वेज इज ट्रांसलेटेड इन टू द कोड। तो देन हमें ये डायग्राम दिखा दी गई है कि ये जो सबसे पहले आउटपुट ऊपर है, इनपुट है, टास्क को यू से ज़ाहिर किया जा रहा है, कोर को एस से,
और फिर मतलब ये सारी डायग्राम दिखाई गई है। ये जो बेसिकली अबाउट एंड व्हील फ्रेमवर्क था ना, ये एक्सटेंशन है नॉर्मन की। नॉर्मन के जो एग्जीक्यूशन लाइफ साइकिल को हमने एक्सटेंड किया तो हमारे पास एक फ्रेमवर्क आया, इसको हमने नाम दे दिया अबाउट एंड द व्हील फ्रेमवर्क। इसको हमने फोर कंपोनेंट्स में डिवाइड किया, सबसे पहले यूज़र इनपुट एंड द आउटपुट और द सिस्टम, सही है। तो डायग्राम में हमें दिखाया गया ये आउटपुट है, ऊपर नीचे इनपुट है, जो यूज़र है उसको टास्क यहाँ पर रिप्रेजेंट किया जा रहा है और जो सिस्टम है यहाँ पर उसको कोर के। और ये जो कंपोनेंट्स होते हैं उसकी अपनी अपनी हैज़ ईच हैज़ इट्स ओन यूनिक लैंग्वेज, सही है। हर किसी की अपनी अपनी एक यूनिक लैंग्वेज है। देन इंट्रैक्शन एंड द ट्रांसलेशन बिटवीन द लैंग्वेजेस, तो इन लैंग्वेजेस के दरमियान क्या क्या होता है, इंट्रैक्शन और द ट्रांसलेशन। तो प्रॉब्लम्स इन द इंट्रैक्शन इज इक्वल टू प्रॉब्लम इन द ट्रांसलेशन, जो इंट्रैक्शन में प्रॉब्लम होते हैं वो किसके इक्वल होते हैं, जो ट्रांसलेशन में प्रॉब्लम्स होते हैं। होप सो कि आपको ये लेक्चर समझ आ गया होगा।